पीसीएस करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है। दक्षिण कोरिया में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। दक्षिण कोरिया के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव 18 से 20 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। फेस्टिवल में बुसान सिनेमा सेंटर में चयनित पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी और कोरियाई लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इस महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारत सियोल के दूतावास द्वारा किया गया था। महोत्सव की शुरुआत 18 नवंबर को उद्घाटन समारोह के साथ हुई। सबसे पहले हिंदी फिल्म पद्मावत दिखाई गई। बुसान में 3 दिनों में कुल 6 फिल्में दिखाई गईं। इनमें शामिल हैं पद्मावत हिंदी, आनंदी गोपाल मराठी, असुरन तमिल, नाट्यम तेलुगु, हाउस ओनर तमिल तथा शूट बॉट 3 तमिल। इस महोत्सव को फिल्म महोत्सव निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया था। ये फिल्म महोत्सव भारतीय दूतावास सियोल के चल रहे वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक हिस्सा है।